सर एक तस्वीर देखिए, जनता की सेवा की उदात्त जो भावना है और उद्यत भावना है वो जरा दिखाता हूं मैं आपको। यूपी चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर बीएसपी पर बड़ा आरोप, 67 लाख रुपए देने के बावजूद टिकट नहीं देने का आरोप। मुजफ्फरनगर कोतवाली में फूट फूट कर रोए अर्षद राणा, बीएसपी ने चरथावल से पूर्व मंत्री के बेटे सलमान सईद को दे दिया टिकट। इसमें कोई खास बात नहीं है, वो पैसे वापस कर देती हैं जनरली। सर ये सुन लीजिए पहले, फिर मैं आता हूँ। आप देख रहे होंगे अखबार में, डेली का हेड भी देख रहे होंगे, सारे होर्डिंग प्लेइंग सब कुछ मैं कर रहा हूँ सर, उसके बाद भी ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, ठीक है। इन्होंने मेरा तमाशा बना दिया, मेरे को कभी इस तरह सोचा नहीं था। आप परेशान मत होइए, उन्हें मुझे अंदर मिटा के यूं कहते हैं कि बस फिर इस जगह हम किसी और को चुनाव लड़ा रहे। आप देख रहे होंगे अखबार में, डेली का हेड भी देख रहे होंगे, सारे होर्डिंग प्लेइंग सब कुछ मैं कर रहा हूं सर, उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, और इन्होंने मेरा तमाशा बना। सर रामकृपाल सर, ये भी तो जनसेवा की बनना चाह रहे थे। देखिए अब जो उनके आरोप हैं, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, अब इस तरह का आरोप जो लगा रहे हैं, जैसा शीतल जी ने कहा कि ये बहुत सारी चीजें जनता को मालूम है, लोग करते हैं। अब जो इस तरह का करता है, जो ये सोचेगा कि पैसा दे करके मैं टिकट पा लूंगा, अगर उसके साथ इस तरह होता है तो मुझे लगता है कि ये कोई इसी तरह की सिंपैथी तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जनता का, अगर आप जनता के प्रतिनिधि बनना चाहते हैं तो जनता के बीच जाइए। पैसा दे करके किसी पार्टी से आप टिकट मांग ले रहे हैं ठीक है, और नहीं मिलने पर आप उसकी आलोचना कर रहे हैं, राइट, ये तो ऐसे ही होता है, इसका क्या कहा जाए। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता कोरोना, कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।